आज मैं ऐसे विटामिन्स की बात करूंगी जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को ख़राब करते हैं, हमारी लर्निंग में जो है डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, हमें जल्दी चीज़ें याद नहीं रहती। तो तमाम विटामिन्स के बारे में बताऊंगी जो विटामिन्स हमें जो है बूस्ट करते हैं हमारी मेमोरीज़ को, हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को, हम जल्दी चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसे हमारे जो है डेफिशिएंसी होके हमारी जो है वो लर्निंग ख़राब हो जाती है, हम जल्दी चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं विटामिन B6 की बात करूं तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस मेमोरी जो है ये इनको बूस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, विटामिन B9 ये फोलिक एसिड होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, या हमारी जो भी फोकस हम कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ पर उसके लिए विटामिन B9 होता है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो केमिकल्स हमारे होते हैं। ठीक है, विटामिन B9 जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होते हैं। विटामिन B12 हमारे नर्व फंक्शंस के लिए, हमारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमारे न्यूरो प्रोटेक्शंस होते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शंस कर रहे होते हैं। विटामिन डी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, हमारे मूड रेगुलेशंस को ठीक करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे न्यूरो प्रोटेक्शंस। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसमें ये भी बताऊंगी कि विटामिन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो है अब मैंने आपको बता दिया, विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स को विटामिन B9 करता है, B12 हमारे नर्व फंक्शंस को करता है। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए यानी उसकी कमी हो जाए तो हमारी मेमोरी जो है उसके लॉस होने का, या हमें ऐसा होता है कि पास्ट की मेमोरी या अभी प्रेजेंट जो हमने जो चीज़ें की होती हैं वो हमें भूल जाती हैं, हमें उन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, हमने की है या नहीं की, हमारा जो फोकस होता है हम किसी चीज़ पर कर नहीं पाते अच्छे से। अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाते हैं, मेमोरी लॉस का खर्चा होता है, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो हमें फटीग बहुत ज़्यादा होती है, हमें वीकनेस सी महसूस होती है। ठीक है, हमारी जितनी भी कॉग्निशन है वो डिक्लाइन होती है, वो काम नहीं सही से करती। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, वो सही से काम नहीं करते, हमारी अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत पुअर हो जाती है। ठीक है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करूँ तो हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इसमें आ जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें डिप्रेशन भी होता है, हमारे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है। और विटामिन अगर ई की बात करूँ तो हमारे न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज़ लाइक अल्जाइमर्स हो जाता है। अल्जाइमर्स तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है कि हमें जो है अभी जो हमने काम किए होते हैं वो हमें भूल जाते हैं, या हमारे जो नज़दीक रिश्ते होते हैं ठीक है हमें वो भूल जाते हैं, हमें चेहरे भूल जाते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाती हैं। ठीक है, Omega-3 डेफिशिएंसी क्या होती है, हमारी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इससे हो जाता है। ठीक है, लाइक हमारे कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं इनके बात करूँ कि जो है विटामिन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, तो विटामिन B6 की बात करूँ, ये चिकन में, फिश में, पोटैटोस में, बनानास में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन B9 जो है ये लीफी ग्रीन में हो जाते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड क्रियल्स में हो जाते हैं। विटामिन B12 जो है ये एनिमल प्रोडक्ट्स में हो जाते हैं, फोर्टिफाइड में, प्लांट बेस्ड मिल्क में होता है। विटामिन सी जो है ये बेरीज में, लीफी में, ग्रीन्स में, फ्रूट्स में, ठीक है, ये इसमें पाया जाता है। विटामिन डी जो है ये सनलाइट, फैटी फिश, फोर्टिफाइड डायरी, ठीक है। विटामिन ई जो है ये नट्स में पाया जाता है, सीड्स में, वेजिटेबल्स में, ऑयल में। Omega-3 जो है ये फैटी फिश में, फ्लैक्स सीड्स में, वॉलनट्स में। ये विटामिन हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये हमारे नर्व्स के लिए, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मोस्टली हमारे जो है कॉग्निटिव, हमारी मेमोरीज को, हमारे नर्व्स को जो है रहा, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हमारे मूड्स को ये चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियोज़।